हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस लाइव वर्जन 2.0 में स्वागत है। मैं आपका दोस्त नवीन कुमार। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सक्सेस लाइव वर्जन 2.0 में आपको आईडी किस प्रकार एक्टिव करना है। सबसे पहले आपकी अपनी आईडी को लॉगिन करना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से विजिट करके अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आईडी लॉगिन करने के बाद आपको डाउन में जाना है। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन है, हमें पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कंपनी का सक्सेस लाइव 2.0 प्रोग्राम नेम यह है, ये कंपनी का कॉन्टैक्ट है, ये कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी है और ये कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पे जाके अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला हो, जैसे मैं नाम नवीन कुमार डाला था मैंने, आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको पे नाउ पे 21 पे क्लिक करना है। दोस्तों, आप सभी मेंबर अपना आईडी गूगल पे के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई नेटवर्किंग। जैसे मैं अपना आईडी यूपीआई के थ्रू एक्टिव करना चाहता हूँ तो मुझे यूपीआई पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे यूपीआई आईडी डालना है, यहाँ पे गूगल पे, भीम यूपीआई, फ़ोनपे, मोर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे मैं अपने आईडी पेटीएम के थ्रू करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपना पेटीएम नंबर यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। जैसे मैं पेटीएम यूपीआई आईडी है, उसके बाद आपको पे 21 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उस टेक्स्ट मैसेज पे आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पे मुझे टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है, हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेटीएम से मेरे पास जैसे नोटिफिकेशन आया हुआ है 21 रुपीज़ का, मुझे पे 21 पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे पे पे क्लिक करना है। और जो मेरा यूपीआई पिन है मुझे वो डाल के सबमिट करना है। उसके बाद आपको दोबारा से वेबसाइट पे जाना है। आप देख सकते हो कि मेरा आईडी एक्टिव हो गया है। सभी मेंबर इसी प्रकार अपनी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।